Agarwal and welcome back to my YouTube channel For My Scholar. In this video, I'll be discussing about the principle and the concept of object-oriented programming. Okay, so let's start. Okay, so we will learn all the concepts one by one. These are the four concepts of OOPs, object-oriented programming languages. First one is inheritance, polymorphism, encapsulation and abstraction. वैसे हम ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल बट इन दिस वीडियो आई विल जस्ट डिस्कस देम इन शॉर्ट. ओके, सो फर्स्ट वन इज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का क्या मीनिंग है? लेट सपोज हमारे पास कोई भी क्लास ए है. ओके, नाउ एक और क्लास है हमारे पास क्लास बी. बी क्या चाहती है? ए क्लास के कुछ कोड को या कुछ फंक्शंस को यूज़ करना चाहती है. ठीक है, तो उसके पास दो ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन इज कि क्लास बी उन्हीं सेम फंक्शंस को फिर से बना ले, ठीक है, अगेन उनको कंस्ट्रक्ट करे. और सेकेंड ऑप्शन इज क्लास ए के ही फंक्शंस को रीयूज कर ले. ओके, सो अगर वो सेकेंड ऑप्शन चूज करती है तो सेकेंड ऑप्शन जो कहलाता है वही इनहेरिटेंस कहलाता है. मीन्स इफ अ क्लास इज यूजिंग द फंक्शंस और द वेरिएबल्स ऑफ अनदर क्लास देन दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस वर्ड का क्या मीनिंग होता है कि आप क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को इनहेरिट करते हो, किसी की प्रॉपर्टीज को यूज करते हो. ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है. यहाँ पर क्लास बी क्या कर रहा है? क्लास ए की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहा है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? इनहेरिटेंस. तो बेसिक एडवांटेज इस कॉन्सेप्ट का क्या होता है कि रीयूजिबिलिटी, यू कैन से रीयूजिबिलिटी ऑफ द कोड. आपको बी क्लास को उस कोड को फिर से नहीं लिखना पड़ेगा, इट कैन यूज़ द कोड ऑफ ए. ओके, सो इन दिस केस क्लास ए इज नोन एज सुपर क्लास, बेस क्लास और पेरेंट क्लास, क्योंकि क्लास बी क्या करता है? क्लास ए की प्रॉपर्टीज को यूज़ कर रहा है. ओके, ऐसे ही क्लास बी को हम कहते हैं सब क्लास, डिराइव्ड क्लास एंड चाइल्ड क्लास. ओके, अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है, विद एन एग्जाम्पल पढ़ना है, तो आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड दिस इन द प्रीवियस वीडियो, तो आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी इज पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिक वर्ड मीनिंग होता है मल्टीपल बिहेवियर्स. इफ़ अ सिंगल एंटिटी रिप्रेजेंट्स मल्टीपल बिहेवियर देन वी यूज टू से दैट अ पर्टिकुलर एंटिटी इज हैविंग पॉलीमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी. ओके, सो लेट सपोज इसका एग्जाम्पल लेते हैं. लेट सपोज वी हैव अ क्लास एंड इन दैट क्लास आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट अ फंक्शन दैट इज अ स्टैक. बट व्हाट आई वॉन्ट कि एक स्टैक ऐसा हो जो इंटीजर टाइप के वैल्यूज़ को रखे, एक स्टैक ऐसा हो जो फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ को रखे एंड एक स्टैक ऐसा हो जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करे. ओके, सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ इट? इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता है पॉलीमॉर्फिज्म. वो क्या करता है? एक सिंगल एल्गोरिथम आपको इम्प्लीमेंट करनी होगी बट डेटा बींग स्टोर्ड वुड बी डिफरेंट. ओके, सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. बेसिकली टू टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म है हमारे पास, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग. इसमें क्या होता है, ओवरलोडिंग के केस में क्या होता है, यू हैव अ सिंगल क्लास एंड देन यू कैन हैव मल्टीपल मैथड्स विद द सेम नेम बट द पैरामीटर्स पास वुड बी डिफरेंट. ओके, एंड उनका इम्प्लीमेंटेशन भी डिफरेंट हो सकता है. ठीक, तो इसी को हम कहते हैं ओवरलोडिंग. एंड ओवरराइडिंग के केस में क्या होता है, ओवरराइडिंग के केस में आपके पास एक क्लास है, उस क्लास को कोई दूसरी क्लास इनहेरिट करती है, तो उस चाइल्ड क्लास में यू कैन यूज़ द फंक्शन ऑफ द पेरेंट क्लास विद द सेम नेम विद द सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन मे बी डिफरेंट. सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, नेक्स्ट वन इज इनकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन द बेसिक पर्पज, द बेसिक यूज ऑफ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इज टू हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम. It says if you are having some variables in a class, then those variables can be accessed using the methods only. Means you cannot access those variables directly. The better way is कि आप उन variables को access करें via methods. ठीक है, तो means ये आप क्या कर रहे हैं, you are binding data or variables with methods. The advantage of using it to protect the data from outside world. ओके, अगर आपने प्राइवेट डेटा आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको ऑब्वियसली उस क्लास के बाहर कोई भी मेथड, कोई भी क्लास उसको यूज़ नहीं कर सकती उस वेरिएबल को. बट यूजिंग पब्लिक मेथड यू कैन एक्सेस दोज वेरिएबल. ओके, नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्शन. वी हैव एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन जावा. इफ़ यू आर हैविंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन योर जावा प्रोग्राम देन दैट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड. मीन्स उस क्लास के लिए
आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा तो उसका हम फिर डेटा कैसे यूज़ करेंगे, उसके मैथड्स को कैसे यूज़ करेंगे। वी विल यूज़ द मैथड्स ऑफ दैट क्लास यूजिंग द सब क्लास ऑफ दैट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मीन्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए अगर आपने कोई भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है तो उसके रेफरेंस में आपको एक इनहेरिटेड क्लास या फिर एक सब क्लास आपको बनानी होगी। एंड यूजिंग दैट सब क्लास यू वुड बी एबल टू एक्सेस द वेरिएबल्स और द मैथड्स ऑफ दैट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथड्स के केस में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मैथड अगर आप डिक्लेयर करते हैं किसी भी क्लास में, कैन नॉट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल देयर। आपको अगर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल देनी है उसकी, तो या फिर आपको उसको डिफाइन करना है उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, तो आप उसको वहाँ पर मेन क्लास में नहीं करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो डेफिनेशन होती है वो कहाँ दी जाती है, उस क्लास के चाइल्ड क्लास में। सो दीज आर द बेसिक फोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर आपको इनको डिटेल में पढ़ना है तो आप उनका रेफरेंस नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। ओके गाइज, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक।